स्वागत है बच्चों आपका अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है MZ क्लासेस। तो MZ क्लासेस आज आपके लिए लाया है क्लास 8 के बच्चों के लिए मैथ का वीडियो। क्लास 8 के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए हम लेकर आ रहे हैं वीडियो। तो ये है एक्सरसाइज 2.2 का वीडियो। 2.1 हम पिछला वीडियो हम बना चुके हैं, अगर आप नहीं देख पाए हैं तो आप उसे जाकर अपने मोबाइल में YouTube खोल के हमारे चैनल में जाकर इस वीडियो में जाने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहे, यानी इस वीडियो को जो देख रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको पार्ट वन वीडियो मिल जाएगा। तो 2.2 में क्या है वीडियो में देखिए, हम लिखने से अच्छा आपको बता दे रहे हैं कि देखिए, योग सक्रिय किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए, यानी कि बिना कोई कुछ किए दिखाना नहीं है आपको कैसे जोड़ना है। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 इसको कैसे जोड़ना है? ये आपको नहीं ऐसा कि 1 + 3 = 4 + 5 = 9 + 7 = 16 + 9 = 25 ऐसे नहीं, आपको कैसे। तो देखिए ये सारे के सारे विषम संख्या है, क्या क्या है विषम संख्या। तो एक फॉर्मूला होता है कि विषम n विषम संख्या जितना भी हो, एन चाहे जितना भी ले, एन कहने का मतलब कि जितना नंबर ऑफ विषम संख्या जितना है, अभी 9 था अभी 11, एन विषम संख्याओं का योग बराबर एन स्क्वायर। कहने का मतलब ये एन क्या है, तो एन इक्वल टू विषम संख्या, क्या है विषम संख्या। अब हम इसे बनाते हैं तो विषम संख्याओं का योग बराबर एन स्क्वायर है, एन बराबर क्या है विषम संख्या ओड नंबर। अब यहाँ पे हम काउंट करते हैं कि विषम संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5 यानी एन बराबर क्या होगा 5 होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 16 में क्या होगा, तो इसका बराबर होगा कि आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ क्या होगा यहाँ पे होगा कि n बराबर कितना है 5। तो हम कह सकते हैं कि योग बराबर क्या होगा n स्क्वायर, यानी कि हाँ n स्क्वायर होगा। तो n स्क्वायर को हम क्या मानेंगे, n के जगह 5, हाँ सॉरी 5 × 5 यानी कि 25, अभी हम जोड़े 25 है ना, तो ये इतना आसान है। चलिए हम लोग दूसरे में जाते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। अब इसको करना क्या है, तो देखिए अब यहाँ पे नंबर ऑफ एन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 जितना नंबर है उसको एन मान लें क्योंकि सब विषम संख्या है, कितना है 3 3 6 7। अब इसका अगर हम योग करेंगे जोड़ करेंगे तो क्या करेंगे, एन को स्क्वायर कर देंगे। अगर आपको एन को स्क्वायर नहीं करना था तो इसे भी लिख सकते हैं n × n। तो चलिए एन स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर यानी कि 7 × 7 = 49। चलिए ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या, तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग कैसे बनाएं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि देखिए निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है, यानी कि निम्नलिखित यानी कि 43 और 44 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या है। तो जब हम जानते हैं कि अगर एन स्क्वायर और एन प्लस वन का स्क्वायर के बीच कितना संख्या होता है, तो के बीच प्राकृतिक संख्या बराबर 2n होता है। कैसे, कहने का मतलब n कहाँ से आया, तो जैसे शुरू वाले को अगर हम n मानते हैं, n बराबर 43, तो n प्लस 1 यानी अगर n प्लस 1 करेंगे तो 43 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो 44 मिला कि नहीं मिला, मिला ना, तो इन्हीं बीच में कितना संख्या होगा 2n। तो जब हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, वर्ग करते हैं, तो वर्ग में हमें कितना मिलता है, देखिए
अगर हम इसे वर्ग कर देते हैं कि 43 और 44 के बीच में कितना होगा, तो हम लोग को एक फॉर्मूला मिला हुआ है कि एन स्क्वायर तथा एन प्लस वन के बीच में कितना है, 2n है। तो 43 44, यानी अगर इसको 43 मानते हैं, 43 में एक जोड़ दिया 44, यानी 43 तो n प्लस वन तो कितना होगा 2, और n मेरा क्या है 43 है, n मेरा क्या है 43 है, तो 2 × 43, यानी साफ सुथरा आपको क्या करना है। अगर आपको कोई बोलता है कि 15 और 16 के बीच कितना प्राकृतिक संख्या है, इनके वर्गों के बीच, क्या इनके वर्गों के बीच, अगर आपको कह दिया जाता है कि 15 का वर्ग करें और 16 का, तो आप सबसे शुरू वाले को क्या मानना है, n मान लेना है 15 n स्क्वायर, और लास्ट वाले को मानना है n प्लस 1 का स्क्वायर, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कितना होता है, तीन दोनों के बीच में होता है 2n नंबर, इतना ही होता है। तो हम लोग को क्या मानना है कि 15 का स्क्वायर तथा 16 का स्क्वायर के बीच में क्या होगा, कितना, तो 2n, कितना 2n, तो 2 इंटू हम लोग जानते हैं चूंकि n स्क्वायर तथा n प्लस 1 के होल स्क्वायर के बीच कितना संख्या है 2n, तो इसलिए अगर 15 के स्क्वायर और 16 के स्क्वायर में कितना होगा, वहाँ भी 2n होगा, तो 2n में तो n किसको मानेंगे, शुरू वाला को, 2 फॉर्मूला में है तो 15, तो कितना होगा 15 × 3, बस इतना ही, यानी कि 2 30 प्राकृतिक संख्या है, बस और कुछ नहीं आपको बनाना है। अब आपको बीच में तीसरा क्वेश्चन लाते हैं, चलिए तीसरा क्या है, बोलता है कि तीसरा, निम्नलिखित संख्याओं को 2 क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखिए, निम्नलिखित संख्याओं को 2 क्रमागत लगातार के रूप में लिखना है, तो 3 में कैसे है, तो 1, हाँ 23 का स्क्वायर है, इसको क्या करना है, चलिए देखिए 23 का स्क्वायर है, इसको क्या करना है, लगातार क्रमागत में लिखना है, क्या क्रमागत, कैसे लिखना है हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 23 है तो 23 का स्क्वायर करेंगे, तो 23 × 23 होगा, कितना आएगा, तो आप लोग भी कर सकते हैं गुना, 3 × 3 = 9, ठीक है, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, आप लोग कर सकते हैं, 6 × 6 = 12, 529, तो कितना आया 529। अब देखिए यहाँ कितने संख्या है, 2 है, तो अगर हमको क्रमागत चाहिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, 529 को 2 से भाग देंगे, कितना से देंगे 2 से, तो चलिए 2 से भाग देंगे तो हमें 2 × 4, अगर वैसे भाग देते हैं, दो हिस्सा में बांटते हैं तो कितना हिस्सा, आप दो हिस्सा में बांट दीजिए, ठीक, तो हमें कितना मिलेगा, 2 × 4, 2 × 6 = 12, और कितना मिलेगा, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, देखिए 1 264 मिले, तो अगर 264 मिलता है तो एक कितना मिलना चाहिए, ये जो पॉइंट है एक आधा, तो 1 264 मिला तो इसी में एक जोड़ दीजिए, तो दूसरा मिलेगा 265। सबसे सरल है, पहले स्क्वायर है इसको तोड़िए, फिर इसको गुना कीजिए, फिर इसको 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग देने के बाद आपको एक नंबर मिलेगा, ये पॉइंट को नहीं देखना है, 264 पहला नंबर इसको लेना है, और इसी में एक जोड़ के 265, ख़त्म हुआ। तो 2.3 आज कंप्लीट होता है, कल हम आपके बीच में लाएंगे 2.4, ठीक है, 2.4 में भी कुछ बेसिक है उसको बताएंगे। तो आज आप क्लास 8 वाले कैसा लगा, और क्लास 8 वालों से गुजारिश है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट में परेशानी होता है, उस पर हम नोट्स प्लस वीडियो सारा अपलोड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज हमें इजाज़त दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर में रहें, पढ़ते रहें और हमसे पूछते रहें।